हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर की हेडिंग क्या थी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें हमने पढ़ा था लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है? जब हर वेरिएबल जो इन्वॉल्व है इक्वेशन में उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा था, अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लेती हूँ तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेती हूँ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं वाई की पावर हाफ कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी वेरिएबल की डिग्री चेंज करूँ अदर देन 1, नॉट डिग्री, द पावर। ठीक है, डिग्री इज तो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर, नॉर्मल पावर भी कितनी होनी चाहिए? जस्ट 1, तभी हम उसको बोलते हैं लीनियर। ओके, तो इस चैप्टर में जब हमने सॉल्यूशंस किए हैं वो हमने किसके लिए किए हैं? लीनियर इक्वेशंस के लिए। इसका मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर आएगा तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, बट अगर कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 4, अब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर इज हाफ एंड y की पावर इज ऑल्सो हाफ। ओके, तो ऐसी इक्वेशंस को आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, हमें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको क्या करेंगे? लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से समझना। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशन में, एक है रूट एक्स एंड दूसरा इज रूट वाई, क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, रूट एक्स को कुछ यू वेरिएबल कंसिडर कर लो एंड रूट वाई को कुछ वी वेरिएबल कंसिडर कर लो, सिर्फ कंसिडर करना है। ठीक है, बाद में जाके चेंज कर देंगे। तो रूट एक्स की जगह यू एंड रूट वाई की जगह वी। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? रूट एक्स की जगह यू, रूट वाई की जगह वी, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू 3। एंड ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या होगा? 2u माइनस वी इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर? तो अगर अब हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो क्या ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मिल गई? यस। क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली। किसी भी चार कोई भी चार मेथड्स में से एक मेथड चूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? यू और वी की मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो यू और वी वेरिएबल में है ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यू और वी का। बट क्वेश्चन में तो रूट एक्स और रूट वाई है, तो किस तरीके से करेंगे? यू की सपोज कुछ वैल्यू मिल गई आपको ए, ठीक है, तो यू लिया क्या था आपने? यू आपने लिया था रूट एक्स, इसका मतलब रूट एक्स ए हो गया। अगर रूट एक्स ए है तो क्या दोनों साइड स्क्वायर करके एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिल जाएगा? सिमिलरली कुछ वाई की वैल्यू मिलेगी, उसको भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा एंड में जो वेरिएबल पूछा गया है उसी के लिए सॉल्व करेंगे। ये एक सिर्फ हमने बीच में स्टेप किया है ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सकें, हम क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन टू इट। ओके, जैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 अपॉन एक्स माइनस 5 बाय वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब अगेन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो, इधर x का पावर कितना है? माइनस 1 है ना। 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है? x माइनस 1 एंड सिमिलरली y का पावर इज ऑल्सो माइनस 1, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। बट अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखो कैसे चूज करोगे। हमारे पास क्या क्या है वेरिएबल्स? 1 बाय एक्स एंड 1 बाय वाई। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 बाय एक्स को यू ले लो एंड 1 बाय वाई को क्या ले लो? वी ले लो। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इट वॉज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3। तो 1 अपॉन एक्स की जगह आपने क्या लिया है? यू। 1 अपॉन वाई की जगह वी, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 बाय एक्स माइनस 5 बाय वाई इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो गया? 2 बाय एक्स का मतलब क्या है एक्चुअल में?
टू इंटू वन बाय एक्स, ठीक है, एंड वन बाय एक्स तो u है, तो टू यू, टू यू. सिमिलरली फाइव बाय वाई इज नथिंग बट फाइव इंटू वन बाय वाई, तो क्या हो गया, टू यू माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टू. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे u और v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगेन अब जो इक्वेशन है ये है माइनस थ्री बाय रूट एक्स प्लस फाइव बाय वाई इज इक्वल टू थ्री एंड वन बाय रूट एक्स माइनस सेवन बाय वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है. अगेन ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, माइनस हाफ, और y की पावर इज माइनस वन, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट लीनियर. तो लीनियर में इक्वेशन है ये है माइनस थ्री बाय रूट एक्स प्लस फाइव बाय वाई इज इक्वल टू थ्री एंड वन बाय रूट एक्स माइनस सेवन बाय वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है. अगेन ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, माइनस हाफ, और y की पावर इज माइनस वन, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट लीनियर. तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. तो कैसे करोगे, देखो दोनों इक्वेशन में एक तो वन बाय रूट एक्स इन्वॉल्व है एंड एक वन बाय वाई इन्वॉल्व है. ओके, तो वन बाय रूट एक्स को u कंसिडर कर लो एंड वन बाय वाई को v कंसिडर कर लो. ओके, तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, माइनस थ्री यू प्लस फाइव वी इज इक्वल टू थ्री एंड u माइनस सेवन बी इज इक्वल टू सिक्स. इज दैट क्लियर? तो इसी को सॉल्व करेंगे एंड फिर रिस्पेक्टिवली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इसके एग्जाम्पल्स हम करते हैं. तो सपोज आपकी इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू थ्री एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू वन. कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म करने, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि बिल्स हम करते हैं. तो सपोज आपकी इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू थ्री एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू वन. कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म करने, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन नहीं है. अगर लीनियर नहीं है तो आप उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू लीनियर, ठीक है. तो क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं, एक तो रूट एक्स दिख रहा है आपको एंड एक रूट वाई दिख रहा है. तो रूट एक्स को यू लेट कर दो, रूट वाई को वी लेट कर दो. कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, बस एक्स और वाई मत रिपीट कर देना वरना कन्फ्यूजन होगा, ठीक है. तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हो गई यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो हो गई यू माइनस वी इक्वल्स टू वन. अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई. अब इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो फिर उसी मेथड से करोगे. अभी सबसे ईजी मेथड हमें क्या लग रहा है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है. क्योंकि इधर देखो v का जो कोफिशियंट है वो वन है और साइन भी ऑपोजिट है, तो हमको कुछ नहीं करना. तो हमारे पास इक्वेशन है u प्लस वी इज इक्वल टू थ्री एंड u माइनस वी इज इक्वल टू वन. ओके, ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया. जब इसको ऐड किया तो ये हुआ टू यू और यहाँ पर हो गया फोर. तो u की वैल्यू कितनी आ गई, टू. तो u की वैल्यू टू आ गई. अब एक वेरिएबल की पता चल गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, ठीक है. तो सब्सटीट्यूटिंग u इज इक्वल टू टू एंड वन, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट अगर हम कर रहे हैं तो u की जगह टू, टू प्लस v इज इक्वल टू थ्री, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, वन. इज दैट क्लियर? तो अभी हमें वैल्यू किस चीज़ की मिली है, हमें u और v की वैल्यू मिली है. हमें u और v की वैल्यू तो नहीं निकालनी ना, क्वेश्चन में तो x और y है. तो अब हम क्या करेंगे, हमको मिल गया u इज इक्वल टू टू एंड वी नो u क्या है, रूट एक्स. इसका मतलब रूट एक्स इज इक्वल्स टू टू. रूट एक्स टू है तो x कितना होगा, दोनों साइड स्क्वायर अगर कर दें हम, ठीक है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू फोर हो जाएगा. तो x मिल गया. सिमिलरली v की वैल्यू हमें क्या मिली है, v की वैल्यू हमें मिली है वन. v इज नथिंग बट रूट वाई, सो रूट वाई इज इक्वल्स टू वन. दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू वन. तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई. सो वी आर डन हियर. ओके, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू फाइव एंड फोर बाय एक्स माइनस थ्री बाय वाई इज इक्वल टू टू. अगेन द सिस्टम इज नॉट इन लीनियर फॉर्म. तो क्या करेंगे, दिख रहा है कि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई. तो वन बाय एक्स को क्या लेट करेंगे, यू एंड वन बाय वाई को लेट करेंगे वी. ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू यू प्लस वी इज इक्वल टू फाइव एंड फोर यू माइनस थ्री वी इज इक्वल टू टू. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन इज टू बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू फाइव
and 4 by x minus 3 by y is equals to 2. Again, the system is not in linear form. तो क्या करेंगे? दिख रहा है कि दो variables involved हैं, 1 by x and 1 by y. तो 1 by x को क्या let करेंगे? U and 1 by y को let करेंगे V. Okay? तो हमारी first equation क्या बन जाएगी? 2u plus v is equals to 5 and 4u minus 3v is equals to 2. Okay? तो अब हमें linear system मिल चुका है जिसको हम किसी भी method से solve करेंगे. Alright? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2u plus v is equals to 5 and 4u minus 3v is equals to 2. Okay? तो अब हमें linear system मिल चुका है जिसको हम किसी भी method से solve करेंगे. Alright? तो उसको हम लीनियर एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वन. तो क्या किया है, हम इसमें यू का कोफिशियंट सेम बना रहे हैं. तो फर्स्ट में इट्स 2, सेकंड में इट्स 4. तो अगर हम फर्स्ट ही सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वन, तो क्या किया है, हम इसमें यू का कोफिशियंट सेम बना रहे हैं. तो फर्स्ट में इट्स 2, सेकंड में इट्स 4. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू का कोफिशियंट सेम बन जाएगा. तो फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 4u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 10. इज दैट क्लियर? तो ये हमें मिल गया. ये सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, प्लस 2v माइनस 3v. हाँ, तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 4u था, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया इसके नीचे 3 के नीचे प्लस एंड हियर माइनस. तो उसे अब सॉल्व करोगे तो 5 करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 4u था, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया इसके नीचे 3 के नीचे प्लस एंड हियर माइनस. तो उसे अब सॉल्व करोगे तो 5v इक्वल्स टू 8 मिलेगा. इसका मतलब v इज इक्वल्स टू 8 बाई 5 हो गया. v की वैल्यू अगर मिल गई तो अब हमें u की वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं तो मिलता है 2u और v की जगह 8 बाई 5 इज इक्वल टू 5. सो 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 8 बाई 5. फिर इधर एलसीएम हुआ 5 एंड 25 माइनस 8, तो ये हो गया 17 बाई 5. तो u कितना हो गया, 17 बाई 5. तो u और v की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बट वी आर नॉट डन टिल नाउ. वाई? क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकाल दी है. तो u इज इक्वल टू 17 बाई 10. u 17 बाई 10 है और u था क्या, 1 बाई x को ही तो u लिया था. सो 1 बाई x इज इक्वल टू 17 बाई 10. तो x कितना हो जाएगा, 10 बाई 17, रेसिप्रोकल. सिमिलरली v इज इक्वल्स टू 8 बाई 5 और v था क्या, 1 बाई y. सो 1 बाई 5 इज 8, 1 बाई y इज 8 बाई 5, सो y इज 5 बाई 8. तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, x कॉमा वाई. यहाँ पर यहाँ तक लिख के हो गया आप सोल्यूशन प्रॉपरली, x कॉमा y इज इक्वल्स टू 10 बाई 17 कॉमा 5 बाई 8. ओके?